हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज बीपीएससी प्रीवियस बिहार स्पेशल क्वेश्चन का लास्ट डे। उसके बाद अब हमारा क्लास जो रहेगा डिटेल्स से रहेगा, जो भी सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है ना। प्रीवियस आज बिहार का खत्म करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां क्या होगा आंसर, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उंडाउन विद्रोह खड़ा गया था 1885 में, 1888 में, 1899 में, 1895 में, आंसर होगा ऑप्शन सी 1899 में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे, तो आंसर होगा ऑप्शन सी पटना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, सी प्रभाकर, डी डॉन, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है ना, इंडियन नेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, बाकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल, तो जगत नारायण लाल को भेजा गया था ऑप्शन ए बांकीपुर जेल। नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, गोगी, इंद्रपुर, पेमा, अमहरा, तो रामचंद्र शर्मा जो थे ऑप्शन डी होगा, अमहरा गांव से थे। नेक्स्ट देखते हैं, श्री नारायण सिंह क्या थे, तो वो थे एक समाजवादी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस, किसान सभा, सी ए कांग्रेस समाजवादी, डी है रायवादी, आंसर होगा ऑप्शन सी कांग्रेस समाजवादी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, सोन, कोसी, गंडक, न्यूराक्षी, तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो आंसर होगा पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, तो चावल, गेहूं और मक्का, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा सत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा। नेक्स्ट देखते हैं, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो आंसर होगा बौद्ध मठ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी देव। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन बी राजगीर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार का। चलिए ये सब आगे देखते हैं, जय प्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो आंसर होगा ऑप्शन ई झारखंड के पक्ष में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ऑप्शन डी गंडक से। फिर है बिहार में तिलसोदा कारखाना है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा बरौनी में, ऑप्शन सी बरौनी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था, वे कौन थे, तो आंसर होगा ऑप्शन डी शिव कुमार और रामानंद, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, तो ऑप्शन ए होगा श्रीमती राम प्यारी। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। चलिए एक और देख लेते हैं, जयप्रकाश दिवस मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्च 1940, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमारा बिहार स्पेशल जीके समाप्त हुआ। जीके बहुत है, आगे आते रहेगा, बट अब प्रीवियस समाप्त हुआ, डिटेल क्लास में चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।